हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए अपने पहली गाई। आप लोग बहुत ही मस्त तो जगह से बेटा कर रहे हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा, इस क्वेश्चन में डाउट था, तो मतलब क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, थोड़ी सी गलती हो गई थी, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, पोस्ट कर दिया, फिर मैंने क्वेश्चन को डिलीट किया है। भाई देखो, जो मुझसे गलतियाँ होंगी वो मैं उसको जरूर सही करूंगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कह रहा है, एक टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? अगर उसमें कोई कमी है तो अपनी कमी को सही करे, ना कि उस पर टिका रहे, है ना। तो और गलती हो जाए सॉरी बोल करके आगे बढ़ जाओ लाइफ में। कह रहा है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वैल्यूम। कह रहे हैं, किसी गुलाब जामुन में कितनी शुगर कंटेन की गई है? ठीक, शुगर सिरप मतलब जलाव जो होता है ना, कितना कंटेन किया गया है उसके वैल्यूम का? 30%। ओके ठीक। तो कह रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप कुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कह रहे हैं, और ये बताओ कि अगर 45 गुलाब जामुन आपके रखे हुए हैं तो उसमें कितना सीरप मतलब जलाव जो होता, नहीं जो उसका चीनी का जो मिक्सचर नहीं होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, वो कितना हो जाएगा? 45 गुलाब जामुन में कितना आपका हो जाएगा? ठीक है। तो कह रहे हैं कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। कह रहे हैं, प्रत्येक का शेप कैसा है? सिलेंडर शेप में है, विद टू हेमिस्फेयर एंड, दोनों के एंड में हेमिस्फेयर लगा, हेमिस्फेयर टाइप को दे रखा है। कह रहा है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको दे रखा है। देखो ये हमसे कह रहा है, यार ये बता, जैसे मान लो ये अगर आपका, जैसे मान लो ये आपका गुलाब जामुन का एंड हमको दे रखा है ऐसे करके, ये ऐसे आ जाएगा, ये आपका ऐसे है। तो देखो बीच में आपका सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। और किनारे किनारे आपका एच फॉर हेमिस्फेयर के शेप में यहाँ पर हमको दे रखा है। ठीक, हमसे कह रहा है, यार ये बताओ अगर ऐसे 45 गुलाब जामुन हो तो उनमें शुगर सिरप का वैल्यूम कितना हो जाएगा? तो भाई देखो, पहले हम एक गुलाब जामुन का वैल्यूम निकाल लेंगे, ठीक, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान देना, 45 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो 45 गुलाब जामुन के वैल्यूम का जब हम लोग 30% निकालेंगे, क्या हो जाएगा? वही सिरप का वैल्यूम यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ दे कर रखा है, तो गिवन क्या है, हम लोग यहाँ पर पहले लिखते हैं, हमको गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है कि हाँ लेंथ हमको दे रखा है, लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की लेंथ कितनी दे रखी है? ये हमको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और इसका डायमीटर बेटा हमको, ये पूरा डायमीटर, ये पूरा हमको 2.8 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या तो जाएगा, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द गुलाब जामुन, गुलाब जामुन ये हमको 2.8 सेंटीमीटर रखा है। भाई देखो, अगर डायमीटर 2.8 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस, रेडियस आपका 2.8 अपान का 2, भाई डायमीटर का हाफ आपका हो जाएगा, तो ये 1.4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी बेटा? ये आपकी डायमीटर यहाँ पर ये आ जाएगी। अब देखो, देखो बेटा, अगर ये अगर आपकी बेटा होगी रेडियस, तो ये भी आपकी हो जाएगी रेडियस। तो कुल मिला के बेटा ये आपकी हो जाएगी रेडियस, और इधर देखो ये भी आपकी हो जाएगी रेडियस। तो ध्यान देना, अगर हम इस टोटल लेंथ में से अगर हम रेडियस रेडियस माइनस कर दें, दो रेडियस माइनस कर दें, तो हमको हाइट ऑफ द, या कह सकते हैं लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन की बेटा लेंथ कितनी आ जाएगी? तो आ जाएगा टोटल लेंथ माइनस का 2 इंटू रेडियस आपको आ जाएगा, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। तो 2 इंटू रेडियस, तो आपका रेडियस बेटा डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर कितना हो रखा माइनस का 2.8 दे रखा है, तो हमको यहाँ से लेंथ कितनी मिल जाएगी? 2.2
2.2 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ हमको यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व यहाँ करेंगे तो आ जाएगा, लिखेंगे वैल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। भाई देखो एक गुलाब जामुन का आपका वैल्यूम क्या हो जाएगा, तुम्हें ध्यान देना है ठीक है। अगर भाई क्या हो जाएगा आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन आपका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका आ जाएगा, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस भाई देखो दोनों साइड आपका हेमिस्फेयर है तो आपका दो हेमिस्फेयर आपका एक हिस्से बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे 2 into वैल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आपका आ जाएगा ही। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर कहा जाएगा पाई, तो देखो पाई R² H आपका आ जाएगा। भाई देखो इस समय क्या हो जाएगा, दोनों की R रेडियस सेम है तो पाई R मान लेना, आर दोनों की R सेम मान लेना। ये देखो 2 आ जाएगा 2 into 2/3 ठीक 2/3 पाई R³ यहाँ पर आपका आ जाएगा। भाई देखो यहाँ से बेटा अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से अगर तुम कॉमन क्या ले लो, यहाँ से अगर आप कॉमन ले लो पाई R² कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा, अंदर हमारा बचेगा H बचेगा प्लस का। भाई देखो ये पूरा पूरा यहाँ से कॉमन चला जाएगा ठीक, हमारा H बचेगा और क्या आ जाएगा भाई 2 to 4 आपका आ जाएगा, 4 / 3 और आपका एक एक R बचेगा यहाँ पर। भाई देखो 2 R इनके पास थे, इनके पास 3 R थे तो यहाँ से 2 R कॉमन जाएंगे तो आपका 1 R यहाँ पर बच जाएगा। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये 22/7 आपका आ जाएगा गुड़े यहाँ लगा दो। अब बेटा यहाँ देखो इधर जो हमको रेडियस 1.4 दे रखा है तो 1.4 into 1.4 आपका 2 बार लिखा जाएगा और एच कितना आ जाएगा, एच आपका ये आपका बेटा सिलेंड्रिकल लेंथ हमको एच हो जाएगी तो ये 2.2 आ जाएगा प्लस का। यहाँ देखो ये आपका आ जाएगा 4/3 into ये कितना जाएगा 1.4 फिर से आपका यहाँ पर रेडियस आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो ये पॉइंट हटेगा, नीचे आपका 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपका ऐसे 0 बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा 0, ये आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा 0। भाई पॉइंट हटेगा आपका नीचे 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं नीचे आपके उतने 0 यहाँ पर बढ़ जाते हैं। भाई इनको अगर सॉल्व करोगे तो देखो बेटा अब तुम क्या हो जाएगा इसको सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो इधर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है ठीक, दोनों से 1/10 कॉमन ले लेंगे तो ये बेटा 22/7 ये आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा इंटू ये आपका जाएगा 14 × 14 आपका आ जाएगा, ये बेटा 10 10 10 आपका 100 आ जाएगा और 1 10 यहाँ का आ जाएगा तो कितना ये आपका 1000 यहाँ पर बेटा पूरा पूरा आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा आपका 22 प्लस का, अब बेटा यहाँ देखो ठीक अब कितना हो जाएगा 14 × 14 = 56, 56/3 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। इतने में कोई दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। भाई मुझसे गलती पता क्या हुई थी, हमें अपान वाला 3 लिखना भूल गए थे, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिए थे, आंसर आपका अलग है, मैंने जब क्वेश्चन चेक किया तो मेरा आंसर गलत आ रहा था, मैंने फिर से वीडियो को हटा करके फिर से वीडियो ये वाला वीडियो फिर से यहाँ पर बनाया जा रहा है। भाई जो सत्य है वो सत्य है, सत्य दिखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटा अभी ये 22/7 आपका ऐसे लिखा जाएगा इंटू 14 × आपका 14/5 में कितना जाएगा ये आपका ये इतना आपका यहाँ लिखा रहेगा ऐसे। अब देखो इतना जाएगा ये, इसको जब करोगे तो ये जाएगा 2 3 6 2 3 6 आ जाएगा तो 66 आपका आ जाएगा प्लस का 56/3 ये 3 आ जाएगा। अब देखो इधर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाई देखो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर है? इनको इनको आपस में ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो कितना जाएगा 66 + 56 आपका आ जाएगा इंटू, तो सॉरी इसको ऐड करना है ना, ये आपका ऐड आ जाएगा तो 6 6 12 12 का 2 हासिल आपका 1 आ जाएगा, 6 5 11 11 2 11 1 12 आपका आ जाएगा तो कितना जाएगा ये आपका 122 आपका आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 22/7 × कितना जाएगा 14 × इसको हम क्या 196 लिख लो, ये आपका 000 आ जाएगा इंटू ये आपका 122 आपका आ जाएगा। हमने 56 को और 66 को आपस में ऐड कर दिया तो आपका कितना जाएगा ये आपका 122 आ जाएगा और 5 में 3 आपका ऐसे यहाँ पर लिखा रहेगा। अब इसको चलो तो हम लोग कट करना शुरू कर देते हैं तो 7 1 7 आपका ये आ जाएगा और ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 2 14
सेवन एट जा 56 आपका आ जाएगा। ठीक है अब बेटा यहाँ देखो, ठीक अभी इसमें हम लोग कोई मुसाफा नहीं करेंगे, तो हमको कितना वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, हमको नीचे हो जाएगा बेटा 3,000 आपका आ जाएगा, क्योंकि 1,000 को हम 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22 × 28 × 122 आ जाएगा। ये बेटा आपका एक गुलाब जामुन का वैल्यूम यहाँ पर आ जाएगा अभी के लिए, अभी के लिए इतना वैल्यूम आपका ये आ जाएगा, इससे हम लोग कोई खुराफात यहाँ पर नहीं करेंगे। अब बेटा देखो हम क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं, अब यहाँ देखो हमको क्या निकालना है, हमको 45 गुलाब जामुन का वैल्यूम हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो ये आपका 1 गुलाब जामुन का वैल्यूम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक अब बात करते हैं 45 क्या लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ, वैल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का बेटा वैल्यूम क्या जाएगा, एक गुलाब जामुन का वैल्यूम निकालो, इसको 45 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इधर तो आ जाएगा ये 22 × कितना जाएगा, ये 28 आपका आ जाएगा, इंटू कितना जाएगा, ये आपका 1 1 122 आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा, इसको ऐसे ले सकते हो 3,000 आपका आ जाएगा, और × 45 आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। भाई ये आपका एक गुलाब जामुन का वैल्यूम है, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा आपका 45 गुलाब जामुन का वैल्यूम यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है इनको हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 1 2 3 आपका लिखा जाएगा, तो ये 3 1 जा 3, 3 5 जा आपका 15 यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो इधर हम इन सबको पूरा मल्टीप्लाई हमको खाली यहाँ पर करना पड़ेगा, फिर देखो अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो भाई देखो 15 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर, अभी अभी के लिए हम लोग यहाँ पर मतलब अब किसी भी खाली यहाँ पर कैलकुलेटिव पार्ट खाली बचा है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखो 28 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 22 से कर लो, तो कितना जाएगा ये 2 2 जा 4, कितना जाएगा 2 8 जा 16, कैरी आपका 1 आ जाएगा, 2 जा 4 एक आपका 5 आ जाएगा, ये कितना जाएगा, ये भी किताब पर जाएगा यार, ये आपका जाएगा 2 8 जा 16, कैरियर कौन आ जाएगा, 2 जा 4 8 5 आपका आ जाएगा, लेकिन ये इसको कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 6 और 6 5 11, हासिल आपका 1 आ जाएगा, तो आपका ये 6 आ जाएगा। देखो 22 और 28 का मल्टीप्लाई कितना आपका आ जाएगा, है ये आपका आ जाएगा 616 × अब यहाँ देखो 122 का मल्टीप्लाई 15 से कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 122 का मल्टीप्लाई 15 से करना है, तो देखो 15 × 30, 30 का 0 हासिल आपका 3 आ जाएगा, फिर 15 × 30, 30 में 3 ऐड करेंगे आपका आपका आ जाएगा 33 आ जाएगा, 33 का 3 कैरी आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 15 × 15, 15 और 3 कितना जाएगा, ये आपका 18 यहाँ पे आ जाएगा, तो इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1830 आपका आ जाएगा, और नीचे आपका 1 2 3 1000 आपको यहाँ पर लिखा रहेगा। अब इन इन ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना जाएगा 600 लिखेंगे, 600 इनका बेटा हम लोग मल्टीप्लाई इस साइड यहाँ पर करते हैं, तो क्या जाएगा 100 616 आपका आ जाएगा, ऊपर कितना लिखा रहेगा 830 आपका, लिए इनका हमको मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। अब बेटा जब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आपका 0 से लिखा जाएगा, 6 3 18, 18 का आपका 8 हासिल रहेगा, हासिल बेटा आपका यहाँ पर 1 रहेगा, 6 8 48, 1 49 49 का 9 हासिल आपका 4 आ जाएगा, 6 का 9 6 बेटा आपका 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये आपका 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका सेम ऐसे यहाँ पर लिखा जाएगा, ये आपका ऐसे यहाँ पर दोस्तों लिखा जाएगा। अब देखो इनको इनको जब हम बेटा फिर लास्ट में 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका ऊपर वाला बिल्कुल सेम ऐसे लिखा जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये आपका इतना यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इनको बेटा ऐड करेंगे तो इतना जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। अब देखो 9 3 कितना होता है 12, 12 का 2 हासिल आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा,
8 दूनी 16, 1 17 बेटा, 17 यहाँ पे आपका आ जाएगा, हासिल यहाँ पे आपका 1 हासिल आपका आ जाएगा। अभी कितना जाएगा, 9 2 11, 1 12 आपका आ जाएगा, 12 का 2 हासिल आपका टाइम, 1 आपका हासिल आ जाएगा, ये आपका यहाँ लिखा जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, इतना मल्टीप्लाई आपका कितना जाएगा, ऊपर वाले हमने किया मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 1 2 7, ठीक, 2 8 0 आपका जाएगा बेटा, अपान में इनके 1000 लिखा गया है। तो आप लोग क्या पता है कि जैसे बेटा यहाँ से 3 जीरो आपके हट जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 आपके हट जाएगा, 3 अंक आपका दशमलव दाई और आपका डेसिमल बाई और चला जाएगा। तो 11.27.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये आपका पता क्या निकला है, ये आपका 45 गुलाब जामुन का वैल्यू आपका ये यहाँ पर निकल आया है। अब देखो इधर, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, हमसे क्या पूछा गया था, तो इसको हम ये वाला पार्ट बेटा हम यहाँ पर रफ कर देंगे। अब देखो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे कह रहा था कि यार ये बताओ कि 45 गुलाब जामुन में, ठीक है, कितना शुगर सिरप का वैल्यू रहेगा। तो 45 गुलाब जामुन का 30% आपका यहाँ पर रहेगा। तो हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैल्यूम ऑफ शुगर सिरप, इसका मार्कर बदलते हैं हम लोग, वैल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप का वैल्यूम कितना जाएगा, लिखेंगे 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन का वैल्यूम आपका ये रहेगा ऐसे। अब देखो भाई 45 गुलाब जामुन का वैल्यूम आपका यहाँ पे निकला है, तो ये पुट कर दो। अब इसका हम लोग 30% यहाँ पर निकाल लेंगे, दो इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसके हम लोग 3 से यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, 3 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से इसको करोगे मल्टीप्लाई तो ये कितना आ जाएगा भाई, देखो ये से आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो 3 4 जा 3 8 जा, 3 8 24, 24 का 4 यहाँ पे आ जाएगा कैरी बेटा आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। 3 7 जा 27 27 का 1, 3 7 जा 21 21 का 1 कैरी आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना जाएगा ये बेटा आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक। और 3 1 जा 3 आपका आ जाएगा, 3 1 जा 3 आपका आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो फिर से एक बार हम इसको कट करके देखते हैं, तो डाउट लग रहा है यहाँ पर है, थोड़ा सा वेट कर लो बस, इधर कितना यहाँ पे आपका आ जाएगा, 3 8 जा 24, 3 8 24 का 4 हासिल आपका 2 आ जाएगा, 3 2 6 6 2 आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, 3 7 21 21 का 1 हासिल आपका 2 आ जाएगा, 3 2 6 6 2 आपका बेटा यहाँ पर आपका 6 2 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 7 हाँ 6 6 2 कितना जाएगा, 3 2 6 6 2 8 आपका आ जाएगा, ठीक कितना जाएगा, 3 कन्नम 3 आपका आ जाएगा, 3 कन्नम 3 बेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो आपका पॉइंट, देखो 2 अंक के बाद आपका लगा है, 1 2 आपका यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, अब तुम्हें क्या आ जाएगा, इसको यहाँ देखो सर, ये आपका नीचे 10 लगा गया है, 10 यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपका पॉइंट 1 अंक आपका बाईं ओर पॉइंट चला जाएगा, तो आंसर कितना आपका आ जाएगा, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ये दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों। मैं अब ये तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप में आ सकता है, और थोड़ा सा इसको ध्यान से आप लोग करिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी तय कि दोस्तों जय हिंद, पूछ सकते हैं, इसको हम लोग रफ कर देंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, कह रहा है
अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, मतलब कोई पेन होल्डर वाला कोई है, पेन स्टैंड कोई है, उसको क्यूबॉइड के फॉर्म में रखा, क्यूबॉइड फॉर्म में दे रखा आपका है, तो ड्रॉ कर लो क्यूबॉइड, क्या दिक्कत है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो फिगर ड्रॉ ही कर लेंगे। अब यहाँ देखो ऐसे, ये कुछ क्यूबॉइड फॉर्म में आपको यहाँ पर ऐसे दिया गया है, ठीक कह रहा है, विद फोर कॉनिकल डिप्रेशन टू पेन होल्डर, मतलब ऐसे ऐसे पेन होल्ड करने के लिए, ऐसे पेन होल्डर है पेन रखने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, हमको चार यहाँ पर क्या दिए गए हैं, गड्ढे टाइप में दिए गए ऐसे करके हैं, तो देखो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे गड्ढे यहाँ पर करे गए होंगे, इसी में तो हम लोग पेन यहाँ पर रखेंगे। और तो हमको गड्ढे किस प्रकार दिए गए हैं, हमको कोन के आकार में दिए गए हैं, भाई देखो जैसे मान लो कि हमको ये पेन यहाँ पर इसमें रखना है, तो हम ऐसे इसमें गड्ढा बनाएंगे ना, तभी तो पेन स्टिका रहेगा ऐसे करके, ये इसमें इसके अंदर तीन गड्ढे, हम चार गड्ढे हमको दिए गए हैं, चार हमको होल यहाँ पर दिए गए ऐसे गए हैं ऐसे करके, ठीक इतना हमको यहाँ पर दिया गया है। तो हमसे कह रहा है द डायमीटर ऑफ द क्यूबॉइड, हाँ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, हमको डायमीटर डायमेंशन होगा भाई, डायमीटर नहीं होगा डायमेंशन होगा, डायमेंशन कर लो, ठीक क्या हो जाएगा, डायमेंशन हमको यहाँ दे रखे हैं, तो भाई देखो हमको क्या दे रखा है, हमको लेंथ दे रखा है 15, ये ब्रेथ कितनी दे रखी है हमको, 10 दे रखी है, तो हाइट हमको 3.5 हमको यहाँ पर दे रखा है, ये अब हाइट आपकी आ जाएगी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यहाँ जाएगा, इतना हमको यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक कह रहा है, अब इतना जो बड़ा इतना हमको यहाँ पर दे रखा है, समझो कह रहा है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। देखो बेटा जैसे मान लो कि आपका जो ये आपका कुछ इस प्रकार से गड्ढा किया जाएगा ना, ऐसे हम एक गड्ढे को थोड़ा बड़ा यहाँ पर बना रहे हैं, तो हमको इसकी रेडियस यहाँ दे रखा है 0.5, 0.5 सेंटीमीटर हमको दे रखा है इसकी है रेडियस, हमको दे रखा है, ठीक है, इस गहराई मतलब इसकी लेंथ हो जाएगी, गहराई हमको दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर इसकी हमको लेंथ दे रखी है, मतलब गहराई मतलब इतना गहरा गड्ढा यहाँ पर बनाया जाएगा। फिर फाइंड द वैल्यूम ऑफ द वुडन इन द इंटायर स्टैंड, अब कह रहे हैं इस इंटायर, अब कह रहे हैं कि गड्ढा मान लो कर दिया गया है, तो अब बताओ गड्ढा करने के बाद इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, तो भाई देखो सीधी सी बात, हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, पूरे क्यूबॉइड के वैल्यूम में से हम अगर चार कोन का वैल्यूम माइनस कर देंगे, चार कोन का वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमको रिमेनिंग वाला क्यूबॉइड यहाँ पर जो स्टैंड हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लिखेंगे वैल्यूम ऑफ कह रहा है फाइंड द वैल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, हाँ पूरा हमको निकालना है यहाँ पर है, तो बात करेंगे वैल्यूम ऑफ इंटायर इंटायर स्टैंड का वैल्यूम तो वहां क्या आ जाएगा, तो भाई देखो क्यूबॉइड का वैल्यूम ले लो, तो क्या लिखेंगे वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वैल्यूम आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो क्यूबॉइड के वैल्यूम में से हम क्या करेंगे, तो देखो चारों गड्ढे जो आपके हो जाएंगे, जो चारों गड्ढे होंगे बिल्कुल सेम सेम पूरे आपके होंगे, सेम सेम मतलब क्या हो जाएंगे, सबका डायमेंशन हो जाएगा, तुमको एक किलो दे रखी है, तो जब आपके एक कोन का वैल्यू निकाल के 400 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे 4 इंटू वैल्यूम ऑफ कोन आपका आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो ठीक, अब हम क्यूबॉइड का वैल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपका आ जाएगा, माइनस यहाँ देखो 4 इंटू वैल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका आ जाएगा, ठीक तो लेंथ कितनी आपकी आ जाएगी, लेंथ आपकी 15 आ जाएगी, ठीक ब्रेथ कितनी आपकी 10 यहाँ पे आ जाएगी, 10 रखिए ना, हाँ ब्रेथ आपकी 10 यहाँ पे आ जाएगी, हाइट आपकी 3.5 दे रखा है, माइनस का 4/3 आपका ऐसे लिखा रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पर हम लोग रख देंगे। अब 4/3 मतलब 4 हमका 4 हमने इसको इंटू कर लिया है, अब यहाँ पे आर हमको दे रखी है 0.5 दे रखा है, भाई 0.5 को 2 बार लिख लो, स्क्वायर लगा 2 बार यहाँ पर लिख लो, हाइट कितनी मुझे रखी है, हाइट हमको 1.4 यहाँ पर दे रखी है। अच्छा बेटा यहाँ देखो क्या आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, भाई सॉल्व कर सकते हैं इसको, हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं, भाई देखो
यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे आपका जीरो बढ़ जाएगा, तो ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 15 5 75 का 5, हासिल आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। और 15 3 45, 45 7 आपका 52 आ जाएगा, ये आपका 552 यहाँ, 525 यहाँ पर आपका बच जाएगा माइनस का। तो इसको सॉल्व करोगे ये पॉइंट हटेगा, ऐसे आपका ऐसे हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, भाई पॉइंट हटेगा नीचे आपका जीरो बढ़ जाएगा, तो आपका 4/3 आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो अगर कट करना चाहो तो हम कर सकते हैं, तो ये कट जाएगा 2 बचेगा, 5 1 5, 5 2 10 बचेगा, मतलब 2 बचेगा, ठीक। अब देखो 2 1 2, 2 1 2 यहाँ 11 बचेगा, और अब देखो 2 1 2, 2 2 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा। तो काट पीट इसीलिए खुद से किया करो, मेरे काटने से मुझे आएगा आपको थोड़े आएगा। अब देखो कितना बचेगा, 11 माइनस बचेगा 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 अपान का 3 ऐसा लिखा रहेगा, और ऊपर कितना बचेगा, अब इनको कट कर लो तो 7 2 7 14 2 5 10 आपका जाएगा, तो 3 × 5 नीचे बचेगा और ऊपर कितना बचेगा सिर्फ, और ये 7 भी तो है ना एक, अरे ये 7 से आपका 7 यहाँ पर कैंसिल आ जाएगा, तो भाई कितना बचा, अब यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ ये 5 बचा, 3 बचा, 5 × 3 ऊपर 11 × 2, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है ना, इतना आपका जाएगा। तो अब देखो ये कितना आपका हो जाएगा, 545 माइनस कितना आपका जाएगा, 11 × 2 = 22 बटे कितना जाएगा, 3 5 15 आपका जाएगा। यार ये बताओ क्या इनको इसको डिवाइड करके ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा जो आपका पेनिशमेंट बचा हुआ है उसका क्या जाएगा, वैल्यू में यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अपने हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर चलते हैं, उसको यहाँ पर रख करते हैं। भाई देखो कैलकुलेशन पार्ट खुद से करो, ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, वरना मैं तो करा ही दूंगा, भाई मुझे तो आता है ही। जहाँ क्वेश्चन खत्म हो, जहाँ जहाँ एक वीडियो में क्वेश्चन 4 होंगे वहाँ 3 होंगे, ठीक, बाकी क्वेश्चन तो आपको मैं करा ही दूंगा, हम कहाँ भाग जाएंगे भाई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन रखो, तो ये भी क्वेश्चन आपका सिमट गया है, अपने हम आखिरी क्वेश्चन चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन की ओर आज के, फिर मस्त आराम से आप लोग पढ़िए, मैं भी अपने कुछ पढ़ाई करूंगा। तो अब देखो बेटा यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाई द अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इसके बने ढिचिक दाना दाने के ऊपर दाना, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर नाचे सिलेंडर है दीवाना, ठीक। क्या हो जाएगा भाई, देखो ये आपका एक सिलेंडर दे रखा है, इसकी हमको यहाँ पर लेंथ हाइट दे रखे रखती है 220 सेंटीमीटर, हमको यहाँ पर लेंथ दे रखा है, ठीक। तो इसकी रेडियस हमको दे रखा है, डायमीटर हमको 24 दे रखा है, भाई देखो अगर डायमीटर 24 है तो इसकी रेडियस 12 हो जाएगी, तो ये कितना आर कितना यहाँ पे आपका जाएगा, ये आपका 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस यहाँ पर आ जाएगी। अब कह रहे हैं इसी के ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, इसीलिए मैंने गाना गाया था ढिचिक दाना जो गाना भी था भाई, इतना गाना नहीं याद रहता भाई, मुझे मेरे वाले गाने याद रहते हैं, दर्द भरे सॉन्ग, जब हाले दिल तुमसे कहने को, ये आपका सिलेंडर हो जाएगा। अब देखो इसकी हमको पता, तो घटिया फिगर बना भाई ना, तो अच्छा बनाएंगे फिगर यार, भाई परेशान हो, फिगर बढ़िया बना, इधर फिगर बनाएंगे बढ़िया, भाई ड्राइंग में ना हमको, ड्राइंग में हमको जो ड्राइंग का साहित्य पुरस्कार जो भी होता हो हमको दिला दो भाई, एक बार हमारे साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार ड्राइंग का हमको दिला दो भाई, बस साहित्य पुरस्कार देने वाला मर जाए हम तो कल्याण में रहेंगे। क्या हो जाएगा, ये आपका सिलेंडर मान लो हो जाएगा, अब समझो तो ठीक, ये हमको मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर ये आपकी हाइट हो जाएगी। अब देखो इधर इसका, इसकी हमको रेडियस दे रखा है डायमीटर 24 दे रखा है, तो इसकी आर कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, ये आपका रेडियस 12, इसकी रेडियस यहाँ पर ही आ जाएगी, 12 लिखा भैया है, हम अंत समझे लगा था,
सेंटीमीटर इसकी रेडियस यहाँ पर आ जाएगी। अगर इसी के ऊपर कोई सिलेंडर और रखा गया ऐसे करके, ये सिलेंडर आ जाएगा ऐसे करके, तो खराब तो इधर इधर बनना, उधर कौन सा अच्छा बनना है। तो इसकी हमको हाइट दे रखा है, कितनी दे रखा है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट हमको दे रखा है। ठीक, अब कह रहा है इसकी हमको रेडियस, अगर ध्यान देना यहाँ पर आपका डायमीटर था, इसी में लोग गलती करते हैं कि दोनों को डायमीटर या दोनों को रेडियस मान लेते हैं। एक में डायमीटर दे रखा है, दूसरा वाला हमको रेडियस दे रखा है, ये हमको 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है। तो ये इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, ये हमको 8 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास बताओ। कह रहा है इफ, अगर गिवन दे, हमको गिवन दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो कह रहा है कि अगर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका 8 ग्राम, अगर ये आ जाएगा 8 ग्राम है तुमको मास बताओ, तो भाई मास आपका ये ग्राम आपका मास हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब हमको यहाँ क्या निकालना है, हमको देखो इन दोनों का निकाल लो वैल्यूम, वैल्यूम निकाल लो, आपका वैल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका मास यहाँ पर आ जाएगा, आपका ग्राम में हो जाएगा, उसको मास हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चल रहा हमारी कहाँ भैया, वैल्यूम ऑफ, अरे मार्कर खराब होता भैया, वैल्यूम ऑफ होल, वैल्यूम ऑफ, वैल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ द इंटायर फिगर, इंटायर 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 क्या बोल देंगे इसको, यहाँ क्या दिया गया था, इंटायर आयरन पोल, आयरन पोल में हमको दो वैल्यूम पूरा हमको निकालना है। तो देखो इसमें क्या जाएगा, अगर इसको A1 मान लो पोल, इसको A2 पोल मान लो, तो क्या जाएगा वैल्यूम ऑफ A1 प्लस क्या जाएगा वैल्यूम ऑफ A2 आ जाएगा। तो भाई यहाँ देखो पहले एक वैल्यूम क्या जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1 आपका आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा सेकंड क्या जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, ये आपका S2 आ जाएगा। तो देखो R1 कितना हो जाएगा, R1 आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, H1 कितना आ जाएगा, H1 आपका 220 सेंटीमीटर आ जाएगा, R2 कितना आ जाएगा बेटा, R2 आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, और H2 कितना आ जाएगा, H2 आपका 60 सेंटीमीटर यहाँ पर ये आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो, आंसर आपका जाएगा, भाई देखो पाई यहाँ से कॉमन ले लो, पाई जब कॉमन ले लेंगे तो आपका R1 स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 इंटू हाइट, H1 आपका जाएगा 220 का, यार इतना जाएगा, प्लस अब R2 कितना जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आपका जाएगा, 64 इंटू H2 कितना जाएगा, ये भाई साहब 60 आ जाएगा। अब देखो पाई की वैल्यू चाहो तो रखो या 1.34 रख लो। अब ध्यान देना इसका क्वेश्चन तो आप लोग से ही कराएंगे भाई, ये देखो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आपका ये वैल्यू आ जाएगा। भाई देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इनको इनको मल्टीप्लाई करना, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू यहाँ कितना पुट करोगे आप लोग, 1. या चाहो तो 22/7 यहाँ पर रख लो, दोनों में से कुछ भी पाई वैल्यू पुट करना, इनको सॉल्व करना, सेंटीमीटर क्यूब में क्या जाएगा इसके पूरे का वैल्यूम आ जाएगा। आपको गिवन दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर आपको गिवन दे रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका 8 ग्राम मास यहाँ दे रखा है। वह ध्यान देना जितना इसको सॉल्व करने पे आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपका मास यहाँ पर निकल आएगा, इंटायर आयरन पोल का निकल आएगा दोस्तों। तो
ये हिंट है, हिंट ले लो भाई, कुछ तो मेहनत करो ना। अभी हम चाहे तो कर दें, लेकिन आप लोग करो इसको, क्योंकि तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं फिर, तो इतना तो काम खुद कर लो ताकि हाथ पाँव ठंडक में चलते रहें, है ना। चिल्लाई महोत्सव चल रहा है जम्मू कश्मीर में, जाओ मौज काटो जा करके। 40 दिन की छुट्टी भाई होती है उन लोग की भाई, ठंडक में बर्फ जम के फ्लावर भी घुस पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ये वाला काम आप लोग इसको यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं कि दोस्तों जय हिंद।